हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव आदरणीय। मेरा आपसे एक सवाल है, बड़े दिनों से मैं सोच रही थी पंडित जी जब मिलेंगे तो मैं बात करूंगी उनसे, पूछूंगी सवाल के बारे में। जी जी। जन्म और मृत्यु इनको लेके बहुत सारी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से कैसे संस्कार किए जाते हैं। सही बात है। जन्म के भी कुछ संस्कार होते हैं, मृत्यु के भी संस्कार होते हैं। जी होते हैं। लोगों को उसके बारे में कुछ पता ज़्यादा होता नहीं है। सही बात है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि इन संस्कारों को किस विधान से करना चाहिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने ये जो प्रश्न किया है ये सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और कल्याणकारी होगा। देखिए भारतीय सनातन पद्धति में हमारे शास्त्रों में जो विधान बताया गया है, जन्म सूतक का और मृतक सूतक का, ये दो प्रकार के सूतक हैं। ग्रहण इत्यादि ये सूतक भी होते हैं, किंतु जो जन्म सूतक में जो होता है, जैसे किसी परिवार में किसी घर में कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके पश्चात में जन्म सूतक लग जाता है, और उसके बाद के जो कृत्य हैं, जो कर्म हैं, वो सभी वर्णों के अनुसार, सभी वर्णों के हिसाब से सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए 10 दिन हो गया, 10 दिन के अंदर वो शुद्ध हो जाता है। क्षत्रिय के लिए हो गए 13 दिन 12 दिन ऐसा, और वैश्य के लिए होता है 15 दिन का, और शूद्र के लिए होता है 1 महीने का। तो ये सूतक से निवृत्ति इनको मिल जाती है। इसी प्रकार से ठीक देखा जाए तो सूतक, जो जन्म सूतक होता है, उसके बाद में शुद्धिकरण होता है, हवन इत्यादि होते हैं। यदि कोई बालक मूल इत्यादि में जन्म लेता है, गंड मूल नक्षत्रों में जन्म लेता है, तो उसकी वो शांति भी नक्षत्र के अनुसार, नक्षत्र शांति भी होती है, जो पुनः उसी नक्षत्र पोती होती है जो 1 महीने बाद में आता है। जन्म के समय से ही दोष और निर्दोषता ये जीव में उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में हम करते हैं मृतक सूतक जो होते हैं, किसी घर में किसी की प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा बताया गया है कि सपिंडन श्राद्ध जब होता है, पिंड छेदन जब होता है, उसी समय उस परिवार में शुद्धता आ जाती है। तो मृतक सूतक की जो निवृत्ति होती है वो सपिंडन श्राद्ध के पश्चात ही मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। और पिंडदान, उसके पहले के कृत्य, मरण के समय पर कई पिंड वहाँ भी लगते हैं, 6 पिंड इत्यादि शास्त्रों में बताए गए हैं। उसके बाद में शुद्धि घर आकर करनी चाहिए। उसके बाद में जो मृतक प्राणी जो होता है उसकी आत्मा की निवृत्ति, आत्मा को जो देह प्राप्त होती है वो अंगुष्ठ मात्र की बताई गई है, जो यातना देह होती है, और यम मार्ग में जब वो जाता है, यम मार्ग की यात्रा में उसको शक्ति की आवश्यकता होती है, उस देह को भी निर्माण की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रतिदिन के जो पिंड दान होते हैं 10 दिन 11 दिन के, तो उन पिंडों को वो खाकर, उन पिंडों को वो खाकर जलांजलि तिलांजलि को वो प्राप्त करके अपनी देह को पुष्ट करता है, फिर यम मार्ग में वो सुखपूर्वक यात्रा करता है, ऐसा इसका विधान होता है। उसके पश्चात दशाह कर्म होता है, एकादशाह कर्म होता है, द्वादशाह कर्म जो सपिंडन श्राद्ध इत्यादि होती है, वार्षिक श्राद्ध होता है, कई प्रकार के जो श्राद्ध हैं उसके बाद में किए जाते हैं। गरुड़ पुराण इत्यादि का श्रवण करते हैं पंडितों द्वारा, सभी जो परिवार के जन हैं वो गरुड़ पुराण का श्रवण करते हैं, ताकि जो मृतक प्राणी है उसको भी शांति मिले, और आने वाले समय में मरने से पहले हमें शुभ कर्म जो करने होते हैं, दान पुण्य इत्यादि, और जो पाप होते हैं, किन पापों से हम बच सकते हैं, किन पापों से हम बचकर इस जीवन को हम सार्थक या इस जीवन का हम उद्धार कर सकते हैं, इस प्रकार से ये क्रियाएं होती है। जी पंडित जी, एक विचार और आता है मन में जी कि लोग कहते हैं कि जैसे पूर्वज जो खत्म हो चुके हैं उनको अगर गया कराते हैं तो उनका जो श्राद्ध है वो श्राद्ध पक्ष में वो नहीं किया जाता है। अच्छा, क्या ये संभव है ऐसी बात? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस समय प्रत्येक जगह, कई कई स्थानों पर मैंने भी देखा है, सुना भी है कि गया श्राद्ध के बाद में वो लोग पितरों का श्राद्ध तर्पण या बंद कर देते हैं, पितृपक्ष में इत्यादि में श्राद्ध निकालना वो बंद कर देते हैं। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, तो मैं इसका प्रमाण जो है वो शास्त्र के हिसाब से ही दूं, ताकि सभी को
अच्छा भी लगे और सभी के पास प्रमाण भी हो जाए। तो एक प्रमाण है कि गया श्राद्ध का या बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली का श्राद्ध पर विचार करना, या गया श्राद्ध के बाद में हम कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, ऐसा आपका जो प्रश्न भी है। तो ये प्रमाण है श्रीमद् देवी भागवत का, जीवतो व्याकरणात् क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दाना च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। इसका अर्थ है जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र को ही पुत्र कहा जाता है। जो गया श्राद्ध कर देता है वो पुत्र होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र कहलाता है। उनके मरणोपरांत श्राद्ध में खूब भोजन दान इत्यादि करने वाला भी पुत्र कहा गया है। गयाभिगमनम कर्तुम यह शक्तो नाभिगच्छति शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः। तो जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता, उसके पितर सोचते हैं कि ऐसे पुत्र का ना होना ही अच्छा था, पितर भी रुष्ट हो जाते हैं और उस प्राणी के परिवार में या उस प्राणी को दुख देने लग जाते हैं। इसलिए गया श्राद्ध करना चाहिए। और कहा गया है कि गया श्राद्ध करने के बाद में, गया श्राद्ध करने के बाद में जो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं निकालता है पितृपक्ष में या पितृतिथि पर अमावस्या इत्यादि में जो तर्पण इत्यादि नहीं करता है और श्राद्ध नहीं निकालता है, वो पुत्र या उस परिवार के जन नरकगामी होते हैं। इसलिए शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि गया श्राद्ध करने के बाद में पिंडदान इत्यादि या श्राद्ध निकालना ये सभी हमेशा करते रहना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जो आपका प्रश्न भी था और मैंने शास्त्र के प्रमाण से भी आपको उत्तर दिया है। ये बात हो गई जी, गया जी की हो गई जी। अब एक गया जी का विधान कि इसको किस तरीके से करना चाहिए ये हर कोई नहीं जानता है। तो लोग सोचते भी हैं कि भाई कितना खर्चा आएगा, कैसे होगा, कहाँ से शुरू होगा, तो इसके बारे में और कुछ बताएं कि इसका करने का विधान क्या है। देखिए गया श्राद्ध करने का जो विधान है वो शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है और ब्राह्मण लोगों को भी ये जानना चाहिए ताकि यजमानों के प्रति यदि वो कर्म ये करवाते हैं तो यजमानों के जो पितर हैं वो प्रसन्न रहें, उनको भी शांति मिले और वो भी तृप्त हो जाएं और यजमानों को भी शुभ आशीर्वाद हो। तो ये ब्राह्मणों का भी कर्म है और ये जानना भी चाहिए। देखिए गया श्राद्ध में क्या होता है कि एक तो बद्री नारायण के आप बद्री विशाल में वहाँ भी आप गया श्राद्ध कर सकते हैं और बौद्ध गया में जो गया का स्थान है बिहार में गया है वहाँ पर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। जिसके निमित्त हम पिंडदान इत्यादि गया श्राद्ध में करते हैं उसके निमित्त हमको जहाँ से हम स्थान से यात्रा प्रारंभ करते हैं वहाँ पर गायत्री उपासक ब्राह्मण से ये कार्य करवाना चाहिए। श्राद्ध में अधिकारी भी भोजन करने का वही अधिकारी है ब्राह्मण जो गायत्री उपासना करता हो, नित्य संध्या वंदन इत्यादि करता हो और सदाचार का पालन करता हो, ब्रह्म कर्म का ब्राह्मण जो कर्म है ब्राह्मण के उसका पालन करता हो, उसी से करवाना चाहिए, तभी उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। वहाँ से जब हम स्थान लेते हैं जिसके निमित्त हम पिंडदान करने जा रहे हैं या गया श्राद्ध करने जा रहे हैं वहाँ उसके निमित्त आपको एक स्थान देना चाहिए। जितने भी लोगों को हम ले जा रहे हैं, जितने पूर्वजों को हम ले जा रहे हैं उनके हिसाब से हमको सीट देनी चाहिए क्योंकि साधन अभी बस इत्यादि यही है। हाँ। तो वहाँ पर उनका स्थान होना चाहिए, वहाँ पर कोई विराजमान ना हो। ट्रेन से जा रहे हैं तो टिकट ले लें उनके नाम से, एक भाव है, वो तो है पंडित जी का भाव है ये। तो इस तरीके से ये संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद लौट के श्राद्ध हमको करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पिंड दान करने जा रहे हैं तो पिंड छुड़ा है। अगर जैसे पंडित जी घर में ब्राह्मण को न बुला के एक थलिया निकाल के मंदिर में भेज दे पंडित के लिए, जी जी ये भी कर सकते। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, इनमें ऐसा वर्णन आया है जैसा आप पूछ रहे हैं और आप तो इतने अनुभवी हैं, मेरी पहले भी आपसे वार्तालाप होती आई है तो आपको बहुत अनुभव है, आपने भी पुराणों का अध्ययन किया है, श्रवण किया है और आप एक विदुषी महिला हैं ये मैंने जाना है, क्योंकि जो इनमें रुचि रखता है या इन चीज़ों को मानता है, जो शास्त्रों का प्रिय है, शास्त्रों से प्रेम करता है,
उसी के मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो आपके मन में हुआ है, और इन प्रश्नों के माध्यम से जो लोग इन प्रश्नों को श्रवण करते हैं, इनके उत्तरों को श्रवण करते हैं, उनका भी कल्याण होता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। तो जो आपने प्रश्न किया है बहुत अच्छा है, वायु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में इसका वर्णन है कि जैसे कोई असमर्थ है, किसी की इतनी शक्ति नहीं है, श्रद्धा तो है लेकिन उसकी शक्ति नहीं है, उसके पास धन अभाव है, धन की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, वो सामग्री जुटा नहीं पाएगा, तो वो श्राद्ध कैसे करें? तो घर पे जैसे आपने कुछ बना लिया, जो भी आपसे बन पाया, वो आप किसी मंदिर में, यदि ब्राह्मण नहीं आ पाता है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी को आप वो भेंट कर सकते हैं, लेकिन पुजारी भी गायत्री उपासक होना चाहिए, संध्या उपासना करना करने वाला हो, वेद पाठी हो, वो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्राद्ध आज यहाँ भोजन कर लिया और फिर दूसरे के जाकर भोजन कर लेता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पैसों के लोभ में आकर आज आपके श्राद्ध कर लिया भोजन, फिर दूसरे के उसी समय जाकर कर लिया, फिर तीसरे के, आजकल के ब्राह्मण ऐसे ही हुए हैं, ऐसा ही देखा जा रहा है। दक्षिणा की लालच में चार घर का मान लेते हैं, नोता इनविटेशन या कह लो स्वीकार करते हैं, और वो खाते हैं नहीं, कहते हैं आप हमको टिफिन लगा के दे दो। ये आजकल करने लगे, आजकल करने, इसलिए श्रद्धा खत्म होती जा रही है ऐसी बातों से। इसलिए ये श्रद्धा बची रहे, और ये जो कृत्य हैं ये सभी हम करते रहें अच्छे से, विधि विधान से। तो इसलिए शास्त्रों में इसकी भी एक गली है, एक निवारण है, जो ऋषि मुनियों ने भगवान के द्वारा, भगवान के ही आदेश से ये सभी बताया है कि यदि आप श्राद्ध नहीं करते हैं, या श्राद्ध के लिए आपको ब्राह्मण को देने के लिए या जिमाने के लिए कुछ भी सामर्थ्य ना हो, समय का अभाव हो, व्यवस्थाओं का अभाव हो, धन का अभाव हो, तो आपको सूर्य की तरफ मुख करके थोड़ी सी घास लेकर गाय को खिला देवें, और अपने पितरों से प्रार्थना कर लेवें कि मेरे से यही बन पाया है, इसी से आप तृप्त हो जाएं। ये विधान बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए है जिसके पास जिसकी शक्ति ना हो, असमर्थ है, जो असमर्थ है, धन का अभाव हो, उनके लिए नहीं है, जो धन से भरे पड़े हैं, जिनके पास कोई किसी व्यवस्था की कमी नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो कम होती है, श्रद्धा कम इसलिए होती है। तो ब्राह्मणों से यही निवेदन है कि ऐसा ना करें, और विधि विधान से ही श्राद्ध क्रिया को, श्राद्ध कर्म को संपन्न करवावें, यजमान के प्रति भी कल्याण की भावना रखनी चाहिए। यही मेरा आपसे पंडित जी प्रश्न था, और बड़ा मन में विचार भी था कि कभी पंडित जी से मिलें तो ये दो प्रश्न पूछेंगे कि जन्म मृत्यु के बारे में, कि भाई इनके संस्कार होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, उनका क्या विधान है, मरणोपरांत लोग गया जी कराते हैं, उसके बाद लोग श्राद्ध करना बंद कर देते हैं, तो उसका भी पूछेंगे कि भाई ये कहाँ तक सही है। जी, जी। तो मेरा आज बहुत मन अच्छा हुआ पंडित जी आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बातों का समाधान जब मिल जाता है ना, तो एक मन को प्रसन्नता होती है, और वो समाधान शास्त्रों का सहारा लेकर मिले तो और भी अच्छी बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। जी जी, और मन को भी बहुत प्रसन्नता हुई। जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।